गाइस बन चुके हैं हमारे चिप्स और पकोड़े, क्योंकि एक मेरे साथ देखिए गाइस लड़कियों ने क्या क्या तैयारी करी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी शिवरात्रि टू ईच एंड एवरीवन। तो आज है शिवरात्रि और आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है मैं कर रही हूँ इवनिंग के 7 बजे से, क्योंकि दिन भर आज इतना बिजी स्केड्यूल रहा, मतलब बहुत ज़्यादा। सुबह से जब से उठी हूँ तब से मैं, मतलब दिन में मैंने 1 घंटा रेस्ट किया होगा शायद, उसके बाद से मैं सुबह से ही काम कर रही हूँ। पहले आज सारे कपड़े वगैरह धुले सब, आज मेरा शिवरात्रि है तो सफाई अच्छे से करती हूँ, सारी सफाई वगैरह की। फिर आज दोनों लड़कियों का भी फास्ट है तो मैंने सोचा आज इन पे भी ज़्यादा बर्डन ना डाला जाए, तो मैं खुद से ही सारी काम मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ आज, क्योंकि ये लोग फास्ट तो फास्ट में ऑब्वियसली थकान भी हो ही जाती है, तो मैं सोचा कि मैं खुद से ही करती हूँ सारी चीज़ें। तो करते हैं इस ब्लॉग को शुरू। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि अब 7 बजने को आया, मैं अब ब्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे पकोड़े के लिए अब सारे यहाँ पे प्याज आलू वगैरह सब रख दिया। मैं इसको काटती हूँ और इसके बाद मैं जो खाने पीने की जो चीज़ें आज बनने वाली है उनकी तैयारियाँ शुरू करती हूँ। और रॉय को मैंने फीड करा के सोनू को दे दिया है, सोनू रॉय को संभाल लेगी और मैं अब खाने पीने की तैयारियाँ शुरू करती हूँ। तो आपको भी दिखाती हूँ गाइज़ कि आज क्या क्या बनने वाला है घर पर, तो बने रही है इस ब्लॉग में। देखिए गाइज़, मैंने प्याज और आलू अभी रख दिए, मैं सोची प्याज आलू के पकोड़े बनाती हूँ और बाकी इसके बाद जो भी चीज़ें मैं करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ बनी रहिए। गाइस मेरी फाइनली सारी चीज़ें कट के हो चुकी है तैयार। ये कूड़ा को आप इग्नोर कीजिए, इसको मैं अभी कूड़े में फेंकने वाली हूँ। अब जाके मैं इसमें बेसन वगैरह मिलाती हूँ, अपना काम ये कटने का सारा काम कंप्लीट। अब चलते हैं किचन की ओर। तो गाइस मैंने तेल रख दिया है गर्म करने को। इधर आज रॉय की बुआ भी जल्दी आ गई है, आज तो ये भी टाइम से पहुँच गई है, खेलने पे लगे हैं दोनों। और मैंने तेल गरम करने को रख दिया, लड़कियां जा रही है पूजा रूम में पूजा करने। शिट, लड़कियां जा चुकी है पूजा रूम में और रॉय के लिए यहाँ पर उसकी बुआ कर रही है इसका टॉय सेट, ताकि उसमें जो ट्यून है वो चलती रहे और रॉय भी इंजॉय करता रहे अपना। और सोनू पहुंच चुकी है पूजा रूम में, मोनिका भी जा रही है। जल्दी जा मोनिका, टाइम हो गया, फटाफट से पूजा स्टार्ट हो गई है। देखिए गाइस लड़कियों ने क्या क्या तैयारी करी है यहाँ पर, फटाफट से धूप धूप जलाओ, इनकी हो रही है पूजा। इधर देखो भाई, शिव भक्त, इनको आशीर्वाद देना, जल्दी जल्दी इनकी शादी कराओ दोनों की। अरे भगवान, रोए रो गया। भगवान इनको सद्बुद्धि देना। गाइस बन चुके हैं हमारे चिप्स और पकोड़े, क्योंकि एक मेरे साथ अभी, मेरे साथ हमेशा पोपट हो रहा है आजकल। मैंने दूसरे चिप्स लाए थे, ध्यान नहीं दिया, वो निकला गोलगप्पे का पैकेट और पोपट हो गया। मैंने सोचा 2 टाइप के लेके जाऊंगी और इन लड़कियों को ही तो समझाओ यार, पूरी पूरी परात लेके बैठी है, हद हो गई यार। कल शाम का खाया हुआ है बेचारे। चलो अब इंजॉय करते हैं। बताओ भाई कैसे बने पकोड़े? बहुत टेस्टी पकोड़े बनाए भाभी, सॉफ्ट एकदम है ना, बहुत मजेदार, क्रंची क्रंची। हाय हाय, सॉस के साथ खाते मजा आ जाए। चलो इंजॉय करते हैं। पकोड़े पकोड़े तो हमने खा लिए थे, पूजा वूजा भी हो गई है और मेरा ना गाइस हाथ कटी हाथ कटी है। और अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे करना तो सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, इसलिए मैं नहीं बताना चाहती, बस प्रे फॉर मी कि मेरा हाथ ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। ये रॉय और रॉय की बुआ की चल रही है मस्तियाँ। तो अब रॉय के नहाने का टाइम हो गया, रॉय को नहलाते हैं। खाना तो ऑलमोस्ट बन चुका है, बस पूरी रहती है बनाने को, वो बनानी है। पनीर बन चुका है और भी जो जो चीज़ें बननी थी वो बन गई है सब। तो अब मैं रॉय को नहलाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस डिनर करते करते बज गए हैं आज रात के 11:30 और रॉय सो के भी एक शिफ्ट में उठ चुका है फिर से। गॉड हमारा भी अभी काम ही खत्म नहीं हो रहा, अभी मेरे को तो अभी थोड़ा दूध वगैरह भी पीना, मेरे तो कावा भी बचता है, ये भगवान। और आज सोनू की नींद इधर पूरी होगी, आज इसकी शिफ्ट नहीं है उधर मेरे रूम में, आज है मोनिका की शिफ्ट और मोनिका ने लाइट बंद कर दी। माय गॉड गाइस, इस लड़की से ये पूछे जरा पकौड़े कितने खाए है इसने। 4 ही पकौड़े खाए मैंने और मैं बहुत बीमार हुआ आज, मेरी बाजू झंझनाहट हो रही आज ने बर्तन ज्यादा धो लिए बेचारी ने, तब हो रहे थे ज्यादा घिस लिए इसने बर्तन आज बेचारी ने। तो
मॉर्निंग एवरीवन, तो हो चुका है नेक्स्ट डे। कल मैं ब्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमको, डिनर करते करते 11:30 तो हमारे ऑलमोस्ट वैसे ही हो गए थे और फिर सोते सोते 12 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि कल ही ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। तो अभी मैंने मुँह धो लिया है और आज धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, तो हमारी शिवरात्रि बहुत अच्छी रही गाइस। और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की शिवरात्रि कैसी रही। मेरी बिंदी अभी गिर गई है कहीं, इसीलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और सुहागने बिना बिंदी और मांग के बड़ी अजीब सी लगती है, तो इस चीज़ का भी इग्नोर करें क्योंकि मैंने अभी मुँह धोया है, तो मैं अभी थोड़ी देर में बस तैयार होती हूँ। तो गाइस शिवरात्रि बहुत अच्छे से रही, और ये मेरी शादी के बाद दूसरी शिवरात्रि थी। पहली शिवरात्रि में मैं और अमित साथ थे शिमला में, वो मोमेंट्स हम कभी नहीं मिस भूल सकते हैं, बहुत मिस करते हैं दोनों के दोनों। और इस बार हम दोनों अलग अलग हैं, मुझे तो लगता है इस साल सारे त्यौहार हमारे अलग अलग ही होने वाले हैं क्योंकि उनका आना पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी, अभी वो काफ़ी टाइम बाद ही आएंगे और मैंने उनको बहुत ज़्यादा मिस किया। मिस यू अमित, जल्दी से घर आओ यार, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इतना टाइम कभी अलग नहीं रहे। और इस बार मतलब मेरे लिए तो हर त्यौहार ऐसा हो रहा है ना कि मैं तो कल भी रोने लगी थी कि यार यहाँ पे हम लोग इतने पकवान बना रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें खा रहे हैं, और वो बेचारे वहाँ पर पता नहीं बहुत अजीब सा फील हो रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि ज़्यादा ब्लॉग भी शूट नहीं करती, और मेरी उनसे बात भी हुई बीच में तो मैं मतलब इमोशनल हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि यार छोड़ो अब कल ही देखते हैं ब्लॉग का जो भी है। तो हम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, प्लीज़ ये आने वाली होली में अगर हो सके तो आप आ जाओ, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते फिर तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और होली तो हमारी इस बार पहली बार हमारी शादी के बाद साथ होने वाली, क्योंकि पिछली होली में मैं अपने मायके गई हुई थी, उस पिछले साल भी मैं अमित के साथ नहीं थी, तो इस साल हमने सोचा था कि यार इस साल तो साथ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मुझे इस साल भी इम्पॉसिबल लग रहा है, पर फिर भी होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस, क्या पता अमित आ जाए, चलो होप ही कर सकती हूँ। तो अमित मिस यू, रॉय और मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी घर आना, ये आपके लिए मेरा मैसेज था इस ब्लॉग के थ्रू। तो गाइज करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें, बाय बाय।